वेलकम बैक गाइस, कैसे आप सब? होप सो बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो आज हम लोग देखेंगे सेकंड ट्यूटोरियल आपका, जो कि जावा का क्रैश कोर्स हम लोग कर रहे हैं। सो होप सो आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा, आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। सो बढ़ते हैं, हमने देखा था क्या होती है एकदम इंट्रोडक्शन पार्ट और जावा बेसिक्स, मैंने उसके एकदम आपको आसानी से बता दिए थे कैसे क्या होती है सारी चीजें। सो आज हम लोग मूव करेंगे प्रोग्रामिंग की तरफ। तो जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग में देखेंगे तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए डेटा टाइप्स के बारे में। सबसे पहली चीज जो हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए वो होनी चाहिए डेटा टाइप्स। सबसे पहले समझ में आना चाहिए डेटा क्या होता है। डेटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा डेटा एंड इंफॉर्मेशन, आपने इन दोनों वर्ड्स को बहुत अच्छे से सुने होंगे डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या है, सेम पर्टिकुलर थिंग है, बट ऐसा नहीं है। डेटा एक्चुअल में, डेटा और इंफॉर्मेशन में मेजर डिफरेंस क्या होता है ये समझते हैं। रॉ इनपुट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। जो रॉ इनपुट होता है उसको हम कहते हैं डेटा, और जब कोई भी रॉ इनपुट जब एक प्रोसेस फॉर्म में हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं आपका इंफॉर्मेशन। तो ये क्या होता है, प्रोसेस डेटा। एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर हमारा क्या है, एक मशीन होती है जो कि हमारा कुछ ना कुछ काम कर देती है। कंप्यूटर क्या होती है, एक मशीन होती है जो हमारा कुछ एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। तो हम क्या करते हैं, यहां से कुछ रॉ फिगर्स डालते हैं, रॉ फिगर्स क्या कहलाते हैं, डेटा। कंप्यूटर के अंदर जाते हैं, उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन होती है और बाकी सारी चीजें होती है, उसके बाद ये प्रोसेस होके हमारे सामने क्या आ जाता है, एक आउटपुट आ जाता है, उस आउटपुट को हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इतना क्लियर हो गया सबको अच्छे से? तो डेटा क्या होता है, डेटा इज नथिंग बट व्हाट, रॉ इनपुट। डेटा क्या होता है आपका, रॉ इनपुट होता है। डेटा टाइप के बारे में हम समझते हैं क्या होता है। कुछ हमारे अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं, कैटेगरी बना दी गई, नंबर्स अलग हो जाएंगे, नंबर्स विद पॉइंट अलग हो जाएंगे, कैरेक्टर अलग हो जाएंगे, एक वर्ड अलग हो जाएगा, तो एक सेंटेंस अलग हो जाएगा। तो ये सारी क्या होती है, कुछ कैटेगरी बना दी गई है, तो उसको हम कहते हैं डेटा की कैटेगरी को हम कहते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप इज नथिंग बट दे आर दी वर्ड्स विच टेल द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड। क्या होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि बताएंगे कि हमारा किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है, हमारा किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है हमारा, इसको लिख सकते हैं वर्ड्स विच टेल्स द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड। डेटा टाइप समझ में आ गया होगा, डेटा टाइप कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बताते हैं हमें कि किस टाइप का डेटा आप स्टोर करने जा रहे हो, किस टाइप का डेटा आप यूज करने जा रहे हो, वो कहलाता है हमारा डेटा टाइप। डेटा टाइप की मोटा मोटा देखें तो दो कैटेगरी बनाई गई है, एक बनाई गई है प्रिमिटिव और दूसरी बनाई गई है नॉन प्रिमिटिव। एक प्रिमिटिव बनाई गई है और दूसरी बनाई गई है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होती है हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को आप नोट डाउन कर लीजिए। So, इसको नोट डाउन करने के बाद फिर आगे मूव करते हैं, हो गया नोट डाउन, चलिए भाई आगे बढ़ते भाई। तो अब हमने समझ में आ गया कि डेटा टाइप होता क्या, हमने क्या देखा, डेटा टाइप दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। बहुत सारे लोग दिमाग में आ रहे हो कि ये कौन सी अलग चीज है। एक्चुअल में क्या होता है, आप नया फोन, सबके पास फोन है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, किसी में देख रहे हो वीडियो, तो आप सबके पास होगा, तो उसके अंदर एक चीजें ऐसी होती है जो कि प्री इंस्टॉल्ड होती है। प्री इंस्टॉल्ड का मतलब जो पहले से अवेलेबल होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप क्या करते हो, यूजर उसको इंपोर्ट कराता है या यूजर उसके अंदर उसको इंसर्ट कराता है। तो बात समझिए, जो प्री इंस्टॉल्ड वाली होती हैं वो क्या कहलाती है हमारी, प्रिमिटिव कहलाती है। ऐसे समझिए कि जो चीजें आपके फोन के अंदर पहले से, कुछ ऐसे ऐप जो कि आपके फोन के अंदर पहले से अवेलेबल थे वो क्या कहलाते हैं हमारे, प्रिमिटिव, और जो यूजर ने बना के दिए वो क्या कहलाते हैं, नॉन प्रिमिटिव। सपोज आपने एक खुद के लिए फोन एप्लीकेशन बनाया, उसको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लिया, वो क्या हो गया आपका, यूजर डिफाइंड। बहुत सारे अलग अलग लोग बैठे होते हैं, वो एप्लीकेशन बना के और उसको अपने फोन में डाउनलोड कर लेते हो, तो वो पहले से नहीं बना हुआ था आपके फोन के अंदर, पहले से नहीं था, आपने कहीं से एक्सटर्नल से उसको लेके आते अपने फोन के अंदर, वो कौन सा होता है, यूजर डिफाइंड। तो अभी डेटा टाइप्स के टर्म में समझते हैं कि क्या होता है, प्री इंस्टॉल्ड या फिर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज डेटा होता था, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है, तो उसको क्या किया गया, उसकी एक प्री डिफाइंड कैटेगरी बनाएगी, उनकी क्या बनाएगी, एक प्री डिफाइंड कैटेगरी बनाई दी गई, जो हमारे डेवलपर्स ने, उन्होंने कहा कि भाई ये पर्टिकुलर चीजें हैं, ये जो बहुत बहुत बार बार यूज होंगी, तो उनको उन्होंने क्या एक कैटेगरी बना दी प्रिमिटिव की, उसके अंदर डाल दिया। और कहा गया कि अगर यूजर को लगता है, अगर क्या होता है, यूजर को लगता है कि उसको खुद भी चाहिए, यूजर को लगता है कि उसको कुछ खुद से कुछ उसको नया चाहिए, तो वो खुद का डेटा टाइप बना सकता है। यूजर को इतना परमिशन दे दी कि भाई अगर आपको चाहिए तो आप खुद का एक डेटा टाइप बना सकते हो, वो कहलाता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव इज नथिंग बट व्हाट, यूजर डिफाइंड, और प्रिमिटिव होता है जो कि होता है प्री डिफाइंड। अब इसी प्री डिफाइंड हेल्प की हेल्प से नॉन प्रिमिटिव बनता है। प्रिमिटिव जो होगा वो पहले से बना हुआ है, उसके अंदर कुछ नहीं करना होता है। नॉन प्रिमिटिव किसकी हेल्प से बनता है, डिपेंडेंट ऑन, क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन, डिपेंड ऑन
प्रिमिटिव, ये किस पे होता है डिपेंडेंट, प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फाइन, इतना क्लियर हुआ अच्छे से प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के अंदर बेसिक चीजें। तो आपको जो अभी पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। अभी मैं आपको बेसिक्स बताने जा प्रिमिटिव के बारे में। फाइन, तो बढ़ते हैं प्रिमिटिव की तरफ। तो प्रिमिटिव की जो कैटेगरी बनाई गई है उसके अंदर नंबर्स और बाकी सारी चीजों के अकॉर्डिंग सबसे पहले बनाया गया सपोज इंटीजर के अकॉर्डिंग। इंटीजर के अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी बनाई गई है बाइट की, शॉर्ट की और आईएनटी की और लॉन्ग की। इंटीजर नंबर जो होते हैं, इंटीजर नंबर कौन से हो गया, जिसके अंदर पॉइंट नहीं होता, डेसिमल पॉइंट नहीं होता, उनका क्या कर दिया गया है, चार कैटेगरी बना दी गई है, जो कि क्या होंगे, किसी के अंदर अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो बाइट में जाएगा, दो डिजिट नंबर है तो शॉर्ट में जाएगा, अगर लेस देन आपका 10 डिजिट नंबर या फिर 9 डिजिट नंबर तक की कैटेगरी किसमें जाएगी, आईएनटी में जाएगी। लॉन्ग का क्या रहता है, मोर देन 9 डिजिट्स अगर आपके पास नंबर है तो आप कहां लेके जाओगे, लॉन्ग के अंदर। तो हमारे पास प्रिमिटिव के अंदर अगर इंटीजर नंबर शो करना है तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बाइट, शॉर्ट, आईएनटी एंड लॉन्ग। आफ्टर दैट रियल नंबर्स की तरफ मूव करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट इंक्लूडेड होता है। तो इसके अंदर दो आता है फ्लोट और डबल, दो आता है आपका फ्लोट और डबल। आफ्टर दैट इसके अंदर आती है तीसरी कैटेगरी कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स का भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक किया जाता है कैर और दूसरा किया जाता है स्ट्रिंग। बात करेंगे कैर की, कैर क्या करता है, सिंगल आपके सिंगल अल्फाबेट्स को, सिंगल अल्फाबेट को अगर स्टोर कराना है या सिंगल किसी कैरेक्टर को स्टोर कराना है तो हम लोग किसमें रखते हैं, कैरेक्टर में, और उसको सिंगल कोट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बात करेंगे स्ट्रिंग की, डबल कोट से करते हैं और ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ये क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब अगर केवल ए स्टोर कराना है तो आप किसमें कराओगे, कैर में, पूरा एबीसीडी लिखोगे या फिर लिखोगे रिजल्ट, रिजल्ट किसके अंदर जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर जाएगा, रिजल्ट किसमें जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर जाएगा। सो यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे पास जो लास्ट डेटा टाइप की कैटेगरी आती है वो आती है बुलियन। बुलियन का बी स्मॉल होता है, ये बुलियन एक कैटेगरी आती है। बुलियन इन डेटा को स्टोर करता है जो कि ट्रू या फिर फॉल्स, अगर हमें डेटा एक स्टोर करना है विच कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ट्रू और फॉल्स, कुछ ऐसे डेटा जो कि ट्रू होंगे या फिर फॉल्स होंगे तो वो कौन सी कैटेगरी में चला जाता है, आपका बुलियन की कैटेगरी में। यहाँ पे अच्छे से एकदम क्लियर हो गया। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, प्री डिफाइंड के अकॉर्डिंग क्या बनाया गया, इंटीजर, दैट मींस अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो आपको इस कैटेगरी में, डेसिमल पॉइंट है तो इस कैटेगरी में, आपके नंबर्स कैरेक्टर्स हैं तो इस कैटेगरी में, ट्रू या फॉल्स है तो इस कैटेगरी में। तो सिंपल से समझिए कि कुछ ऐसी चीजें जो कि पहले से बनी, कुछ ऐसे डेटा टाइप जो कि पहले से बनी है वो क्या कहलाता है, आपका प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में जो चीजें आती है वो आती है क्लास, एरे, ऑब्जेक्ट्स। अब ये नॉन प्रिमिटिव, अभी इतना समझिए कि ये तीनों एग्जांपल हैं। आगे मैं जब इन टॉपिक्स पे मूव करूंगा, जब एरे पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, क्लासेस पढ़ाऊंगा, तब ये आपको और बेटर तरीके से बता दूंगा कि इसको नॉन प्रिमिटिव क्यों कहते हैं और क्यों कहते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रिमिटिव डेटा टाइप। फाइन, इतना अच्छे से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइन, सब लोग पॉज करके सबने नोट डाउन कर लिए। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रोग्राम लिख लीजिए, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द सम ऑफ इट। आपको करना क्या है, यूजर से दो नंबर लेने हैं, एंट्री हम लोग आज पहले प्रोग्राम की तरफ मूव कर रहे हैं, एंट्री करानी है आपको दो नंबर्स की और उसका सम प्रिंट कराना है। फाइन, तो अगर हम लोग बात करते हैं एंट्री कराने की, क्या है प्रोग्राम, सम ऑफ टू नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 4 और 6 दिया है यूजर ने, 4 एंड क्या दिया है, 6 दिया है, तो आउटपुट आपको क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो आप प्रोग्राम की तरफ हम लोग मूव करेंगे तो सबसे बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया था कि आपका कंप्यूटर क्या करता है, आपके एक नौकर की तरह होता है। सपोज मैं आपको बोलूंगा कि आपको क्या करना है, जाइए एक चाय बना के लेके आइए, ठीक है, आपको अपने छोटे भाई बहन से बोलना है जिसको चाय नहीं बनाने आती है, एक बार इमेजिन करिए आप उसको कैसे बोलोगे, क्या क्या स्टेप बताओगे चाय बनाने के लिए, एक बार इमेजिन करिए, कर लिया, वीडियो पॉज करके 2 सेकंड के लिए इमेजिन कर लीजिए क्या क्या स्टेप बताओगे। तो अभी सबके माइंड में एक क्लियर हो चुका है, तो हम क्या करेंगे उसको बताएंगे। सबसे पहली चीज, आप किचन में जाओ, किचन के अंदर सारी चीजें अवेलेबल होना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कि गैस भी हो वहां पे, आपका टी लीव्स भी हो, मग भी हो, मतलब कॉफी मग भी हो, दैट मींस आपका कप हो, एंड एक्स वाई जेड जितनी भी चीजें रिक्वायरमेंट रहती है, सारी चीजें वहां पे रिक्वायरमेंट जो रहती है वो सारी अवेलेबल होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बताओगे कि गैस को ऑन करना है, आफ्टर दैट ये बताना है कि पानी को रख दोगे बॉइल होने के लिए, उसके बाद मिल्क ऐड करोगे, मतलब जितना बेटर तरीके से आप क्या करोगे, जितना बेटर तरीके, जितना स्टेप बाय स्टेप उसको ज्यादा से ज्यादा क्लियर करोगे, बात समझ आ रही, जितना ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे उतना और अच्छे से वो काम करके आपको दे पाएगा। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे हम जो प्रोग्राम लिखते हैं, हमारा कंप्यूटर, एक्चुअल में कंप्यूटर के पास कोई भी ऐसा खुद, उसको खुद को इतना सेंस नहीं होता है कि क्या करना है, उसको हम जितना बताते हैं उतना करता है, केवल वो एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, दैट मींस वो कैलकुलेशंस और डिसीजंस ले सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। डिसीजंस ऐसे लेता है हमारी कंडीशंस के बेसिस पे, हम कंडीशंस बताते हैं उस बेसिस पे वो डिसीजंस लेता है। फाइन, वी आर द कंप्यूटर और क्रिएटर, सो हमें पता है कि हम जो उसको बताएंगे वैसा ही वो काम करेगा। तो सबसे पहली चीज जो आती है आपके प्रोग्राम के अंदर,
आपको लिखना पड़ता है इंपोर्ट। सबसे पहली चीज जो आती है वो इंपोर्ट लिखना पड़ता है। ये पहली लाइन होती है, इसका पूरा मतलब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्कैनर क्लास अभी हम लोग यूज करने वाले हैं, फाइन। तो हमने क्या लिखा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, फाइन। सो अभी दिख रहा होगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल एस्ट्रिक सेमीकोलन। इंपोर्ट क्या है, एक कीवर्ड है जो कि बता रहा है कि भाई ये डेटा हमारा क्या होना है, इंपोर्ट होना है। ये डेटा हमारा क्या होना है, इंपोर्ट होना है, दैट मीन्स हमारे प्रोग्राम के अंदर आना है। जावा डॉट यूटिल क्या है, यहाँ पे डॉट लगेगा, जावा डॉट यूटिल क्या है। मैंने क्या कहा था कि अगर आप बोलोगे अपने छोटे भाई बहन से कि जाके चाय बना के लिख आओ, तो वहां पे कुछ पहले से टूल्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो उसी तरीके से आप प्रोग्राम कराने जा रहे हो सम ऑफ टू नंबर्स का, तो कुछ टूल्स पहले से प्रेजेंट होने चाहिए। तो वो यूटिलिटी का पैकेज है, वो यूटिलिटी का टूल बॉक्स है, पैकेज इन द सेंस वो यूटिलिटी का टूल बॉक्स है। और कहते हैं एस्ट्रिक का मतलब होता है क्लासेस। अभी मोटा मोटा आप समझिए कि बोला जा रहा है कि भाई आपको क्या करना है, इंपोर्ट कराना है। क्या इंपोर्ट कराना है, यूटिलिटी का पैकेज दैट इज टूल बॉक्स, और उसके अंदर जितने टूल्स है सबको इंपोर्ट कराना है। एस्ट्रिक का मतलब होता है कि कोई स्पेसिफिक नहीं, सारे ले आओ। एस्ट्रिक का मतलब हुआ कि ऑल द क्लासेस, और सेमीकोलन लग गया, दैट मींस आपका यहां पे लाइन टर्मिनेट हो गई। इतना सबको अच्छे से क्लियर हुआ, फाइन। अभी क्या करेंगे हम लोग आगे, क्लास, क्लास का नेम दे देते हैं। सपोज हम लोग सम, क्लास क्या होती है, एक्चुअल में जब भी हम लोग कभी प्रोग्राम बनाते हैं तो हर एक को कहीं ना कहीं स्टोर होने की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए। तो क्लास क्या करता है, जो भी आप क्लास के नाम के आगे लिखोगे, क्लास का नाम लिखोगे, सम डॉट जावा नाम की फाइल बना देगा। मतलब ऑब्वियस बात है, हर किसी को स्टोरेज चाहिए, तो वो क्या मिल गई, उसको स्टोरेज मिल गई। कोई डाउट है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे। ब्रैकेट क्यों ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्लास ओपन हो रही, दैट मीन्स हमारी फाइल ओपन होगी, अब इसके ऊपर हमें प्रोग्राम करना है। अब बात ये आती है, आगे हम एक लाइन लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फाइन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इस लाइन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है डेटा और एक होता है फंक्शन। तो एक्चुअल में फंक्शन ये है आपका, जब हम कोई भी प्रोग्राम करने चलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि कंपाइलर को बताना होता है कि कहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। जैसे मैंने यहां बताया था कि उसको बताओ कि गैस ऑन करना है एक एक से, तो उसी तरीके से वो मेन मेथड को खोजता है। वो क्या करता है, एक मेन कीवर्ड को, इतना समझो अभी कि मेन कीवर्ड को खोजता है, कहता है भाई मैं प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इस फाइल के अंदर, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट करूंगा, फाइन। अभी हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आफ्टर दैट लिखेंगे स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हमारा प्राइमरी जो मोटिव है सेशंस के थ्रू, इन क्लासेस के थ्रू, कि जिसको एकदम बेसिक से भी नहीं आता है वो एकदम अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। सो इसी वजह से मैं एकदम डीप में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। स्कैनर क्या होती है, अब सिस्टम डॉट इन का एक आपका स्कैनर एक तरीके का यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करती है। ऑब्जेक्ट क्या होती है बाद में समझेंगे, पहले समझेंगे सिस्टम डॉट इन। जैसे देखिए, रोड पे जाने के लिए दो पाथ होते हैं, एक जाने का और एक आने का। उसी तरीके से एक सिस्टम डॉट इन होता है, सिस्टम डॉट आउट होता है, और तीसरा होता है सिस्टम डॉट ERR। पहले बात समझिए, सिस्टम डॉट इन फॉर इनपुट, सिस्टम डॉट आउट फॉर आउटपुट। मतलब अगर दो तीन टाइप की स्ट्रीम होती है, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट एंड सिस्टम डॉट ERR, तो हमें क्या करना है, कुछ इनपुट लेना है टू एक्सेप्ट सम, टू प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर जब यूजर देगा तभी तो हमें उसको उसका सम करा पाएंगे, तभी तो हम उसका आउटपुट दे पाएंगे। तो हमने सिस्टम डॉट इन को यहाँ पे क्या किया, इन्वोक किया। मतलब हम सिस्टम डॉट इन को सामने से लेके आए कि भाई आओ मुझे कुछ इनपुट लेना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक आईएनटी ए कॉमा बी कॉमा सी ले लेंगे। ए कॉमा बी कॉमा सी क्यों लिया, हमने आईएनटी इसलिए लिया क्योंकि हम नंबर्स कराने जा रहे हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट। आईएनटी इसलिए, नंबर्स कराने जा रहे हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट। ए कॉमा बी कॉमा सी क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास अब देखिए सम ऑफ टू नंबर्स बोला गया, दो नंबर दो कंटेनर हो गए, एक तीसरा सम के लिए भी तो होगा। समझिएगा, ये पहला कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर, इसके अंदर इतना पानी है, इसके अंदर इतना पानी है, तो तीसरा कंटेनर होना चाहिए जिसके अंदर दोनों पानी फिलअप हो सके। कितने कंटेनर टोटल, तीन। तो उसी तरीके से पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये तीसरा हो गया, फाइन। अब आगे बढ़ते हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर टू नंबर्स। अब ये क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि जब भी कभी इनपुट ले रहे हैं तो हमारे टर्मिनल विंडो पे यूजर फ्रेंडली को प्रोग्राम को बनाने के लिए टर्मिनल विंडो पे पहले से ही आग जाए यूजर के सामने कि भाई हमें क्या इनपुट करना है, फाइन। तो अभी हम लोग क्या कर देंगे, ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आईएनटी। बहुत बेसिक से है, अगर ये सारी चीजें आपको अभी अच्छे से क्लियर होगी तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब बात समझिएगा, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी लिखा, इसकी हेल्प से एंट्री होती है। मैंने बताया था ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट यूज होता है सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे जो लिखा है वही सेम यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे जो लिखा है
वही सेम यहाँ पे लिखा, मतलब इनपुट आया इसके अंदर स्टोर हुआ और उसने किसको प्रोवाइड किया, ए को। इनपुट आया इसके अंदर स्टोर हुआ, उसने किसको प्रोवाइड किया, बी को। और हमेशा राइट टू लेफ्ट जाती इक्वल टू जो होता है वो हमेशा कैसे करता है, राइट टू लेफ्ट काम करता है। ए प्लस बी को हमने सम कराया, किसके अंदर स्टोर करा दिया, सी के अंदर। इतना अच्छे से क्लियर हुआ। हमारे पास कंप्यूटर के अंदर टोटल तीन स्टेप्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट यहाँ पे हो चुका है, प्रोसेसिंग यहाँ पे हो चुकी है, आपका आप किसकी बारी आती है, आउटपुट की बारी थी। तीन ही स्टेप में प्रोग्राम सॉल्व होता है हमेशा, इनपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट डन, आउटपुट, प्रोसेसिंग डन, आउटपुट। क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्लस सी। सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट, प्लस सी। इससे क्या हो गया कि आपका सिस्टम के आउटपुट वाले फॉर्म पे, सिस्टम को जो आउटपुट स्ट्रीम है उस पे गए हैं, उस पे क्या बोले भाई, प्रिंटिंग करानी है। डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज लिखते हैं वो क्या होता है, एज इट इज प्रिंट होता है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सबने पढ़ी होगी इंग्लिश में, तो डबल कोट्स के अंदर क्या होता है, जो चीजें होती है वो एज इट इज होती है। कंप्यूटर भी उसी चीज को फॉलो करता है, जो चीज डबल कोट्स के अंदर लिखी हो उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर मैसेज के फॉर्म में इसको क्या मान लेता है, मैसेज, इसको वो कुछ छेड़खानी नहीं करता है। प्लस लगाते हैं, प्लस क्या होता है, कनेक्टर होता है, दो मैसेज को कनेक्ट करना है, पहला मैसेज दूसरा मैसेज, दूसरी क्या है, वैल्यू एक्चुअल में। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए प्लस लग गया, यहाँ पे सबको अच्छे से क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, लास्ट इन फर्स्ट आउट लगाएंगे। सबसे पहले इसको हमने बंद किया एंड आफ्टर दैट क्लास को हमने बंद किया। ये क्या कंसेप्ट है, सबसे पहले ये क्यों बंद हो उसके बाद दूसरा वाला। तो देखिए यहाँ पे आपका एक डब्बा है, उसके बाद फिर दूसरा डब्बा है। अगर आपको इसके अंदर कुछ डालना है यहाँ पे, तो इस वाले डब्बे का पहले लिड खोलनी होगी, आफ्टर दैट इस वाले डब्बे की बाद में लिड। सबसे पहले आप इसको ओपन करोगे, तब जाके इसको ओपन करोगे कि नहीं, और जब क्लोज करने की बारी आएगी तो पहले ये क्लोज होगा, आफ्टर दैट ये। उसी तरीके से सबसे पहले जो ओपन हुआ, सबसे लास्ट में जो सबसे लास्ट में ओपन हुआ है वो सबसे पहले बंद होगा। तो इतना होप से सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपका एकदम बेसिक प्रोग्राम था। इसको अच्छे से प्लीज समझने की कोशिश करिए, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता, मेरा प्राइमरी एम है कि जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा। सो आप लोग लगे रहिए इसी तरीके से, और आपको वीडियोस कैसी लग रही है ऊपर आप पोल के अंदर बता सकते हैं हमें। सो फाइन। और